नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे हम बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। धनबाद प्रेस क्लब के द्वारा होने वाले वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर धनबाद के रेलवे स्टेडियम में सभी टीमों की जर्सी लॉन्च की गई है। इस बार कुल 8 टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसमें दैनिक जागरण, इलेक्ट्रॉनिक ए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बी मीडिया, भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर के साथ साथ रेस्ट ऑफ मीडिया की भी एक टीम शामिल है। धनबाद रेलवे स्टेडियम में ड्रेस का लॉन्चिंग करते हुए प्रेस क्लब धनबाद के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के कारण 2 सालों से टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस बार टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पांच अखबारों की टीम है, जैसे हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, जागरण है, भास्कर है और आवाज की टीम है। उसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 2 टीम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बी और प्रिंट मीडिया से एक टीम है, मीडिया 11। तो ये 8 टीमें हैं। मैच आपको शेड्यूल मिल ही चुका होगा, अभी तक आपके सामने लॉटरी हुआ है। 15 को 2 मैच होंगी, फिर 16 को 2 मैच होगी, उसके बाद जो सेमीफाइनल, इनमें जो 4 विजेता होंगी उनका फिर सेमीफाइनल के लिए लॉटरी कराया जाएगा, ताकि फिर उस लॉटरी से जो आएंगे आमने सामने, फिर उनका 21 को सेमीफाइनल होगा और 22 को फाइनल मैच होगा। आप सभी से अनुरोध है कि पूरा जम आइए मैदान में, अपना दमखम दिखाइए, खेलिए। और एक ये प्रेस क्लब के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का माहौल हो जाता है हर वर्ष, और ये काफी 2 वर्ष बाद हो रहा है, तो इसका जोश ज्यादा दिखना चाहिए। ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो दूसरे के लिए कवरेज बनाते रहते हैं, अब उनका कवरेज बनेगा मीडिया कप में। जो खिलाड़ी होंगे वो चौके छक्के लगाएंगे, आप ही लोग छापेंगे, कवरेज भी आप ही को बनाना है। हम लोग सहयोग में रहेंगे, हम लोग देखेंगे, और जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, चौके छक्के, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, हर तरह के अच्छा से अच्छा इनाम हो और स्वस्थ वातावरण में हो रहा है। सभी मीडियाकर्मी को बधाई, विशेष रूप से अध्यक्ष अशोक जी को, गंगेश जी को बहुत बहुत बधाई।